Hey guys, up, क्या क्या है? इस बजट में आम आदमी के लिए? कि ये बजट 2024 जो आज आया है ये क्या लेकर आ रहा है कॉमन मैन के लिए क्या कॉमन मैन के लिए कुछ है क्या कोई टैक्स बेनिफिट है कि बल्कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाया है? क्या हुआ एग्जैक्टली exactly? तो ध्यान से सुनना वीडियो पूरा पहला जो पहला जो पॉइंट है जो चेंज का है वो है चेंजेस इन टैक्स लैब इन न्यू रेजिम रेजिम ओल्ड में कोई चेंजेस नहीं है न्यू रेजिम में जो इंडिविजुअल के लिए टैक्स रेजी है अंडर सेक्शन उसमें गवर्नमेंट ने फिर से दोबारा से चेंजेस किया है क्या है वो चेंजेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अप टू थ्री लैख इनकम तक टैक्स रेट इज जीरो ये पहले भी सेम था अभी भी सेम है नेक्स्ट फोर लाख थ्री लाख टू सेवन लाख के बीच में जो इनकम लेवल होगा उस पर टैक्स रेट

थ्री टू सिक्स सिक्स टू नाइन एंड नाइन टू ट्वेल्व ट्वेल्व टू फिफ्टीन एंड अब थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है टैक्स लाइबिलिटी में अंडर न्यू रेजिम दूसरी पॉइंट न्यू रेजिम में सैलरी में जो पहले स्टैंडर्डक्शन थाउजेंड मिलता था अगेन मैं बात कर रहा हूं न्यू रेजिम में खाली ओल्ड रेजीम में बात नहीं कर रहा हूं इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर न्यू रेजीम रेजिम 115bc स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सैलरी वाज अवेलेबल अप टू ₹50000 वो 50000 का जो लिमिट है उसको इंक्रीज करके कर दिया गया है 75000 तो इंक्रीमेंटल डिडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 50000 टू 75000 नेक्स्ट इंक्रीज इन फैमिली पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फैमिली पेंशन इनकम के अगेंस्ट में सेक्शन 56 में अपने को वन थर्ड ऑफ द फैमिली पेंशन अमाउंट और मैक्सिमम 15,000 का डिडक्शन मिलता है बट बजट 24 में अगर आप न्यू टैक्स रजीव में जा रहे हो तो फैमिली पेंशन का जो डिडक्शन का मैक्सिमम लिमिट 15,000 है उसको कर दिया गया है ट्वेंटी जो भी चेंजेस आया है न्यू टैक्स रिजीव में आया है स्लैब रेट भी न्यू टैक्स रेजीम में आया है स्टैंडर्ड डिडक्शन भी न्यू टैक्स रेजीम के लिए आया है फैमिली पेंशन के चेंजेस भी न्यू टैक्स रेजीम में आया है सीसीडी सीसीडी क्या है इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड एनपीएस स्कीम के अगेंस्ट में वी गेट अ अशन अपू टेन परसेंट ऑफ द सैलरी ये मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट सेक्टर इंप्लॉय के लिए अदर देन गवर्नमेंट इंप्लॉइज Other than के केस में if there is a NPS under CCD2, ध्यान में ध्यान रखना न्यू रेट ऑफ टैक्स आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलता था वो था लिमिट है उसको इंक्रीज करके कर दिया गया फोर्टीन परसेंट इवन फॉर प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर इंप्लॉइज है 115 वन में अगर वो ऑप्ट करते हैं तो इनका जो डिडक्शन लिमिट होगा वो 14 परसेंट होगा और ओल्ड रेट में इसका जो डिडक्शन परसेंटेज होगा, वो होगा 10%. तो अब देख रहे हैं, को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है उसी में सारे के सारे जो है बेनिफिट निकल के आ रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सिसवन बी अगर आपको याद होगा इश्यू ऑफ शेयर बाई अ क्लोजली हेल्ड कंपनी एट अ प्रीमियम फेयर मार्केट वैल्यू यानी आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है शेयर की उससे ज्यादा का अगर आप इश्यू प्राइस रख रहे हो एंड यूर रिंग एक्सेसिडर इनकम फ्रॉम सोर्स ऑफ अल्ड कंपनी दिस सेक्शन इज डिलीटेड यह सेक्शन अब डिलीट हो चुकी है अब से चौबीस पच्चीस से यह एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट In capital gains. Capital में जो एमेंडमेंट आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ध्यान से सुनना तीन तरह का मैं बात बोलूंगा ठीक है इनफैक्ट चार, चार का चेंजेस मैं बोलूंगा में. सबसे पहला चेंज पीरियड ऑफ होल्डिंग को लेके एज यू ऑल नो देर आर थ्री पीरियड ऑफ होल्डिंग इन कैपिटल गेन्स देर यूज टू बी ट्वेल्व मंथस ट्वेंटी फोर मंथस थर्टी सिक्स मंथलिटीज अदर देन यूनिट्स

शॉर्ट टर्म होगा फॉर लिस्टेड सिक्योरिटीज ध्यान देंगे ओनली टू होल्डिंग पीरियड होगा लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए ट्वेल्व के लिए ट्वेंटी फोर मंथ होगा अनलिस्टेड शेयर बिल्डिंग लैंड आपका गोल्ड हो गया इनका 24 फोर मंथस तक शॉर्ट टर्म है 24 फोर मंथस के बाद लॉन्ग टर्म है सारे लिस्टेड सिक्योरिटीज अप टू 12 शॉर्ट टर्म है 12 के ज्यादा 12 मंथ से ज्यादा लॉन्ग टर्म है दूसरा चेंज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट अंडर सेक्शन ट्रिपल वन ए जो ट्रिपल वन ए में शॉर्ट टर्म कैप गेन टैक्स अपना लगता था लगता था लिस्टेड इक्विटी इक्विटी शेयर्स इन यूनिट्स ऑफ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो टैक्स लगता अब वो हो गया है ट्वेंटी परसेंट ओ माई गॉड सर ट्वेंटी परसेंट टैक्स हो गया है ट्वेंटी परसेंट टैक्स लगेगा यानी पांच परसेंट से टैक्स एस टी सी जी का बढ़ा दिया गया है डेफिनेटली एक सेटबैक है फॉर द कॉमन कॉमन मैन थर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो सेक्शन वन वन टू ए में सेम चीज जो शॉर्ट टर्म कैप गेन टैक्स वन ए में फिफ्टीन परसेंट था लॉन्ग टर्म कैपिटल इंडेक्सेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स लगता था, था अब लाख इसमें क्या चेंज आया पता है, ये जो वन की है एक लाख के अब अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था तो एक्सेस एलटीसीजी पे टेन परसेंट टैक्स लगता था

12.5% कि लॉन्ग टर्म गेन के ऊपर टैक्स रेट भी बढ़ गया है 12.5%। एंड लास्ट बट नॉट द लॉन्ग टर्म गेन जो एक जनरल रेट होता था था, में, जिस जिस पे 20% टैक्स लगता था। अब ने सारे टर्म पे रेट जो है विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट एनी इंडेक्सेशन और ये आज एप्लीकेबल हो गया है ट्वेंटी थर्ड जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में जो भी कैपिटल गेन का टैक्स रेट्स का चेंजेस बोल रहा हूं आजी से हो गया है, 2024. आज से अगर आप कोई भी लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी बेचते हैं तो ट्वेंटी परसेंट टैक्स नहीं है सीधा टेन परसेंट टैक्स है विदाउट I mean, इंडेक्सेशन ध्यान देना विदेक्सेशन ट्वेंटी थर्ड जुलाई के पहले वाला जो शेयर था आई मीन ट्वेंटी थर्ड जुलाई के पहले वाला जो प्रॉपर्टीज था वहां पर आपके ऊपर ट्वेंटी परसेंट टैक्स लगेगा विद इंडेक्सेशन बट यहां पे 12.5 परसेंट टैक्स लगेगा एंड विदाउट इंडेक्सेशन यहां पे आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी नहीं मिलेगी ये मैंने समराइज किया देखिए और भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स है बट सारे अमेंडमेंट्स एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है मैं, चो, मैं, चो, मैं सोचा शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो रखूंगा कॉमन मैन के लिए जो जो अमेंडमेंट्स एक इम्पेक्ट फुल क्रिएट रख सकते हैं वो हम लोग ने किया टीडीएस के ऊपर भी बहुत सारे रेट्स चेंजेस हुए वो हम लोग सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना ये बजट का आपका क्या रिएक्शन है क्या व्यूज है And please share this video with all your friends. And meet you, in the next session. thank you so much. Take care. God bless you.